गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट होम। सो आज हम एक स्टोरी सुनेंगे हिंदी का, ठीक है? यस। सो हमारा जब नेक्स्ट स्लाइड है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 18, 18 पेज में आप जाएंगे हिंदी बुक के, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं हमारा जो स्टोरी का नाम है चतुर खरगोश। चतुर खरगोश मतलब एकदम क्या बोलते हैं, हम चतुराई बोलते हैं ना, हम हमारा सामान्य कॉमन सेंस यूज करके जो अगर कुछ काम करते हो उसको क्या बोलते हैं, चतुर से काम किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये खरगोश जो है चतुर वाला, उसके एक स्टोरी है, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड अभी आपको इमेजेस दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि स्टोरी क्या है करके, ठीक है? तो इन द फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स है ना, ऐसे कुछ गहरे सोच में है, ठीक है? और एक जंगल था, जंगल का एक राजा था, वो राजा कौन था, एक शेर था, ठीक है? तो वो सभी एनिमल्स आप देख सकते हैं उसमें, गिलहरी है, लोमड़ी है, भालू है, खरगोश है और ऊपर एक बर्ड पक्षी भी है, ठीक है? तो ये सभी लोग है ना शेर के बारे में कुछ सोच रहे, तो क्या है, ठीक है मैं बता देती हूँ ये क्या सोच रहे, पता है? अभी है ना उधर का जो राजा है, जो शेर है ना, वो है ना टर्न बाय टर्न सभी एनिमल्स को अपने गुह में, मतलब अपने जो डेन है उधर बुलाते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो एक एक एनिमल को खाते थे, क्योंकि एवरीडे उसको खाना चाहिए था। तो उसने क्या किया, एक एक एनिमल को अपने घर बुलाया और उसको खाते रहते थे, ठीक है? तो ये सभी एनिमल्स को पता था। तो वो सभा आप जैसे देख सकते हैं एक पिक्चर में, सभी लोग इकट्ठा होके खड़े, उसको हम सभा करने के लिए सभा बोलते हैं, ठीक है? तो ये लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या बता रहे हैं कि वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आज का दिन कौन जाएंगे, ऐसे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? और अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं चांस था लोमड़ी का, ठीक है? तो वो क्या किया, सभी मतलब डिसाइड ऐसे वैसे जो भी हो, सभी को एक ना दिन तो जाना ही है। तो लोमड़ी का बारी आया, तो आप ये स्लाइड में जैसे देख सकते हैं ये लोमड़ी शेर के सामने गए और शेर उसको खा भी लिया, ठीक है? अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारा जो खरगोश है वो कुछ सोच रहे, वो क्या सोच रहे, वो ऐसे सोच रहे कि अभी ये तो नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे एक ना एक एक दिन करके सभी को खा जाएंगे तो सभी एनिमल्स कैसे जिएंगे जंगल में, है ना? तो ये शेर को है ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो चतुर है, बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, तो वो सोच रहे थे कि ये शेर को हम मतलब क्या करें, बाकी सभी एनिमल्स को कैसे बचाएं, ऐसे हमारा जो खरगोश है वो सोच रहे थे, ठीक है? और आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख सकते हैं जैसे ये खरगोश है ना, पता है क्या किया, वो सीधा शेर के पास चले गए, ठीक है? शेर के पास चले गए और उससे कुछ बोला, पता है क्या बोला खरगोश ने शेर को, बोला कि ओ शेर राजा, आपको पता है ये जंगल में खाली आप एक शेर नहीं है, एक दूसरा शेर भी है इधर जो मतलब महाराजा के जैसे रह रहे, ऐसे खरगोश ने हमारे जो राजा शेर है उसको बोला। तो इसको मतलब गुस्सा आया कि अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, मेरे अलावा और कौन हो सकता है ये जंगल का राजा, मैं ही हूँ इधर का एक शेर और मैं ही हूँ इधर का राजा। तो खरगोश ने बोला कि आपको बताओ कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं उसको कहाँ देखा। तो शेर ने बोला हाँ भाई मुझे भी दिखाओ, ऐसे बोल के उसने पता है क्या किया, आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं शेर एक कुएं के पास खड़े है। तो खरगोश ने क्या बोला होगा उसको कि हाँ एक दूसरा जो शेर था वो कुएं में रहते हैं, ठीक है? तो इसने क्या किया, कुएं में रहते हैं ऐसे खरगोश ने बोला। तो आप ये स्लाइड में देख सकते हैं कि शेर ऐसे मतलब कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई मैं भी देखूं कि ये कौन सा शेर है जो दूसरा वाला है, ऐसे शेर ने सोचा और वो देख रहे थे कुएं के अंदर, ठीक है? तो कुएं के अंदर देखते हुए आप देख सकते कुएं में जो पानी में है ना प्रतिबिंब देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन, जो अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं या आप है ना पानी में ऐसे देखेंगे तो हमारा इमेज पानी में दिखेंगे ना, तो ये थोड़ी वो हमारा जो शेर के अकल में है। तो उसने क्या किया, उन लोगों जैसे उसने क्या किया, ऐसे कुएं के अंदर देखा तो कुएं में खुद का रिफ्लेक्शन देखा, खुद का प्रतिबिंब देखा, तो उसको क्या लगा है भाई ये तो दूसरा शेर तो उधर है, ऐसे हमारा शेर को ऐसे देखते ही ऐसे समझ लिया उसने कि हाँ दूसरा उसके अंदर है, ठीक है? और हमारा जो खरगोश है ना वो चतुर वाला, उसको पीछे होके ना हंस रहे हाँ भाई अभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे ये, ऐसे सोच के हमारा खरगोश भी पीछे खड़े थे, ठीक है? और आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में जैसे, तो हमारा शेर को अंदर ऐसा था कि मेरे अलावा इधर और कोई नहीं राजा बन सकते, कोई और शेर नहीं चाहिए करके इसने क्या किया, गुस्सा होके क्या किया, वो जो कुएं के अंदर उसका खुद का प्रतिबिंब देखा उसको मारने के लिए हमारा जो शेर है ना वो एकदम कूद गए,
कहा कुएं के अंदर कूद गए क्योंकि उसको लगा ये वो दूसरा शेर है, बट हमें पता है ना कि वो खुद का ही प्रतिबिंब था, ठीक है। तो वो क्या दूसरा शेर समझ के उसके अंदर उसको मारने के लिए कूद गए, और कूद के क्या है उसके अंदर ड्रॉन हो गया पानी के अंदर, ऐसे ऐसे कोई बचाने नहीं आया, वो मर गए। तो हमारा पीछे आप देख सकते हैं खरगोश इतना खुश हो गया ना, क्योंकि उसके माइंड में क्या था कि हाँ अभी ये चले गए, अभी हम सभी एनिमल्स फ्री, अभी हम बिंदास ये जंगल में रह सकते हैं ना। तो हमारे खरगोश ने क्या उपयोग किया, अपना चतुराई से बाकी सभी एनिमल्स को बचा लिया है ना। तो ओके, तो आप लोग भी क्या करेंगे पता है, अपने इंटेलिजेंस से आपको काम लेना है। ऐसे देखो हमारे इंटेलिजेंस से हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस आपके अच्छे कामों के लिए यूज करके लाइफ में जीना चाहिए, ठीक है। सो ये एक स्टोरी था जो इंटेलिजेंट एक खरगोश के बारे में, ठीक है। ये स्टोरी आपको शायद आपके पापा मम्मी ने पहले भी आपको सुनाया होगा, तो आपको क्या करना है पेरेंट्स के हेल्प के साथ उनके सामने आपको ये इमेजेस देख के ये स्टोरी आपको उनको सुनाना है, पक्का करेंगे ना। यस, सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी एंड यू एंजॉय द स्टोरी, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, स्टे सेफ एट होम।